नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे JOEIT का पार्ट 3, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं HPSSC के द्वारा JOEIT के। तो वही हम कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। दो पार्ट मैंने पहले ही बना रखे हैं, अगर जिस किसी ने भी वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख सकता है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड एन, तो उसको बोलते हैं हम URL, ठीक है। नेक्स्ट है ए डिवाइस विच सेंड डेटा बाई टेलीफोन इज, तो उसको बोलते हैं हम मोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ WWW इज, तो टिम्स बर्न्स-ली उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट विच इज़ मेड अप ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीमीडिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, तो TCP और IP इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सैपम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द सर्वर, तो वर्ड प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यू टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट आर रेफर टू एस, तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेक्निक टू लिंक टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS विंडो, तो वो है आपका GUI। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो इंटरनेट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन, ठीक है, जैसे कि हमारा गूगल है। नेक्स्ट है अनसॉलिकेटेड ईमेल्स इज कॉल्ड ए, तो उसको बोलते हैं सेपम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच क्रिएट इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट, तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट, तो वो थी आपकी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क, तो गेटवे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस HTTP, तो ये इसका राइट आंसर है वेब पेजेस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कनेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट, तो ब्राउज़र इसका राइट आंसर है। अगर जिस किसी ने भी JOIT की टेस्ट सीरीज़ बाय करनी है तो वो परीक्षा ऐप के थ्रू बाय कर सकता है। वो अभी आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट पे, 299 रुपये की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो जो भी बाय करना चाहता है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है परीक्षा ऐप का, वहाँ से वाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टडी टाइम 50 कूपन कोड यूज़ करना है जिससे आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट, तो जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नीड सोर्सेज डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस इन लाइन ऑफ साइट फॉर डेटा ट्रांसफर, तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ग्रुप, तो एप्पल टास्क इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन बी नेक्स्ट है, वैन इज नॉट यूजफुल फॉर, तो इसका राइट आंसर है म्यूनसिपल लेटी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड विद कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर पीसी वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर, तो सर्वर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट है, द एक्सेस ओ मेन फ्रेम ओ सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज है, तो टर्मिनल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए वर्ड इन ए वेब पेजेस दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज ए, तो वो होता है हाइपरलिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सेट ऑफ रूल्स, तो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम रिटन इन एन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इन ए कंप्यूटर बाय असेंबलर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो कंपाइलर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वो ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, पीपल हु राइट एंड टेक्स्ट द प्रोग्राम आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रामर। नेक्स्ट है, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ए डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स विद ऑल द इट्स पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो डीबगिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड, तो उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज इम्पॉर्टेंट सो दैट, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द अवेलेबिलिटी ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं इसके और भी पार्ट लेके आऊँगा JEE IT सीरीज़ के। अभी हमने आज का जो था हमारा तीसरा पार्ट था और दो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं।